दोस्तों, पराठा तो हम सभी को बहुत ज्यादा पसंद आता है, ब्रेकफास्ट या फिर कभी भी ऐसे ही। तो आलू पराठा के अलावा भी हमारा मूड होता है कभी कभी अलग टाइप के स्टफ पराठा खाने का। तो आज मैं आपको चार अलग टाइप के स्वादिष्ट, आसान और लाजवाब पराठे बताने वाली हूँ। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे सबका फेवरेट आलू पराठा, जिसके लिए बोल में मैं लेंगी 2 कप गेहूं का आटा। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा नमक, 1 टेबल स्पून तेल, 1/4 टीस्पून में डाल रही हूँ अजवाइन, जिसको हाथ से क्रश करके डालेंगे। इन सारी चीजों को मिक्स करेंगे और आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के इसका आटा तैयार कर लेंगे। तो इसको आटे को अच्छे से कूदते जाइए, बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं रखना है, बस हमें सेमी सॉफ्ट रखना है इसको, इस तरह से। ये देखिए, नॉर्मली जैसे आप आटा गूंथते हैं। फिर इसके ऊपर 1 टीस्पून तेल लगा लेंगे चारों तरफ और इसको हल्के गीले कपड़े से ढक के साइड में रख देंगे करीबन 30 से 40 मिनट के लिए। तो जब तक हम अपनी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। नेक्स्ट, एक बोल में मैं ले रही हूँ 3 से 4 आलू, जिसको मैंने ग्रेट किया है ताकि वो अच्छे से मसाला स्प्रेड हो जाए उसमें। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 प्याज बारीक कटा हुआ, थोड़ा सा नमक, 1/2 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर, 2 हरी मिर्ची, थोड़ा सा अदरक जिसको मैंने इसे ग्रेट कर दिया है, 1/2 टीस्पून मैं डाल रही हूँ गरम मसाला और 1 टीस्पून रोस्टेड कसूरी मेथी, मतलब मैंने कसूरी मेथी को थोड़ा सा भून लिया था, इसको मैं अपने हाथों से क्रश करके डाल रही हूँ, इसे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। फिर हम डालेंगे फ्रेश धनिया और इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जैसे एकदम आटे जैसी कंसिस्टेंसी तैयार हो जाए। तो ये देखिए, हमारे आलू का मिक्सचर यानी कि आलू की स्टफिंग तैयार हो गई। और ये मसाला जो है ना, थोड़ा सूखा सूखा है, बहुत ज्यादा मतलब गीला और चिपचिपा नहीं है, क्योंकि इसके लिए मैंने आलू को पहले से बॉईल करके रखा था। तो आप भी आलू हमेशा पहले बॉईल करके रख दीजिए 4-5 घंटा पहले फ्रिज में, तो आपके पराठे एकदम अच्छे बनेंगे और चिपचिपे बिल्कुल नहीं बनेंगे। नेक्स्ट, आटे को फिर से थोड़ा सा मसल लेंगे और इसका थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इसको थोड़ा हल्का सूखे आटे की मदद से ऐसे रोल करना स्टार्ट करेंगे, जैसे नॉर्मली आप पराठा बनाते हैं। 4 से 5 इंच जितना राउंड पहले बना लीजिए और थोड़ा सा पोर्शन लेंगे आलू की स्टफिंग का, उसका पेड़ा बना के इसके सेंटर में स्टफ कर लेंगे। तो अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज, वो ये है कि जब आप आटा अंदर लेंगे, ये देखिए मैं आटे को ऐसे बांध के अंदर डाल रही हूँ, तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी स्पेस होनी चाहिए, मतलब स्टफिंग के आजू बाजू ना थोड़ी स्पेस होनी चाहिए, तो उसकी वजह से आपका जो पराठा है वो फटेगा नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। तो ये देखिए, अच्छे से सील हो गया, इसका जो ऊपर का एक्स्ट्रा आटा है उसको निकाल देंगे और फिर इसको अपने हाथों से ऐसे फ्लैट कर लेंगे। इससे क्या होगी, जो अंदर की स्टफिंग है वो अच्छे से स्प्रेड हो जाएगी, क्योंकि हमने अंदर स्पेस रखी थी। और फिर से सूखा आटा लेंगे और इसको रोल करना स्टार्ट करेंगे एकदम थिक शीट बनाने के लिए। मैंने बहुत ज्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए, बहुत पतला भी नहीं। ये देखिए, इस तरह से मैंने थोड़ा मोटा ही रोल किया है, क्योंकि पराठा है स्टफ पराठा, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लगाई इसको रोल करते समय। तो ये पराठा अच्छे से बेल गया है। नेक्स्ट, एक पैन या फिर तवा गरम कर लेंगे मीडियम हाई फ्लेम पर। तो तवा गरम हो गया, इसमें हम प्लेस कर देंगे हमारा पराठा और इसको कुक होने देंगे करीबन 2 मिनट के लिए पहली तरफ मीडियम फ्लेम पर, और फिर इसे फ्लिप कर देंगे और इस तरफ भी हम पकाएंगे। और ऊपर से यहाँ पे लगा लीजिए थोड़ा सा बटर या फिर मक्खन, तेल, घी, जो आपको पसंद हो उसको अच्छे से ब्रश कर लीजिए और फिर से इसे पलटा लीजिए दूसरी तरफ और ऐसे पलट पलट के घी लगाते लगाते या तेल लगाते लगाते जो आपको पसंद हो उसको पकाते जाइए, जब तक कि अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। ये देखिए, पराठा कितनी अच्छे तरीके से फूल रहा है और एकदम बढ़िया से गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है चारों तरफ। तो बस इस गर्मा गर्म पराठे को निकाल देंगे और एंजॉय करेंगे अचार या फिर चटनी के साथ, और इसी तरह से सारे पराठे तैयार कर लीजिए। तो ये देखिए, सारे पराठे मैंने तैयार कर दिए, तो इसे एंजॉय करिए। नेक्स्ट बनाएंगे चीजी पराठा, जिसे बनाने के लिए एक बोल में मैं ले रही हूँ 1 कप मैदा और साथ ही मैं डाल रही हूँ 1/2 कप गेहूं का आटा भी। फिर हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और इन सारी चीजों को मिक्स करेंगे। फिर डालेंगे 2 टेबलस्पून तेल, आप चाहे तो मक्खन या घी भी यूज कर सकते हैं। मिक्स कर लेंगे जैसे कि आटा थोड़ा सा क्रम्बली हो जाएगा, ये देखिए इस तरह से। फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसका आटा गूंथ लेंगे नॉर्मली, जैसे आप आटा गूंथते हैं पराठे के लिए, जो कि बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए पर थोड़ा सा सॉफ्ट की तरफ होना चाहिए। तो ये देखिए, आटा तैयार हो गया है, इसके ऊपर हम डाल देंगे बिल्कुल थोड़ा सा तेल और इसको हल्के गीले कपड़े से ढक के साइड में रख देंगे और इसे साइड में रखेंगे करीबन 30 से 40 मिनट के लिए। तब तक हम अपनी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए एक बोल में मैं डाल रही हूँ 1/2 कप मोजरेला चीज और उसके साथ ही मैं डाल रही हूँ 1/2 कप ग्रेटेड प्रोसेस चीज भी। यहाँ पे मैं अमूल के यूज कर रही हूँ दोनों, और यहाँ पे मैं नमक बिल्कुल नहीं डाल रही हूँ क्योंकि चीज में काफी नमक होता है। फिर मैं इसमें डालूंगी 1/2 चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, 1/2 चम्मच मिक्स्ड हर्ब सीजनिंग, इन सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे। तो आज मैंने यहाँ पे बहुत सिंपल फ्लेवर्स रखे हैं, पर आप चाहें तो यहाँ पे फाइनली चॉप वेजिटेबल्स या अनियंस, कैप्सिकम, वो सब भी डाल सकते हैं। डालेंगे थोड़ा सा फ्रेश धनिया, मिक्स करेंगे और स्टफिंग तैयार हो गया है।
तो ये देखिए हमारा आटा भी रेस्ट कर लिया है, थोड़ा सा इलास्टिक हो गया, स्मूथ हो गया है। इसको थोड़ा सा गूथ लेंगे फिर से और इसको डिवाइड कर लेंगे छोटे छोटे गोलों में। फिर एक पोर्शन लेंगे आटे का और थोड़ा सा सूखा आटा लेके इसको रोल करना स्टार्ट करेंगे एक थिन शीट बनाने के लिए। थिन शीट मतलब ये जो रोटी जैसे हम बनाते हैं ना, रोटी जैसा थिक नहीं होना चाहिए, उससे थोड़ा सा और पतला होना चाहिए। तो इसको लगातार ऐसे बेलते जाइए बड़ी सी राउंड शीट बनाने के लिए, जितनी पतली आप बना सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि टूटनी नहीं चाहिए, मतलब फटनी नहीं चाहिए, उतनी पतली रखना है कि जितनी आप हैंडल कर सकें। ये देखा आपने, एकदम पतली मेरी बड़ी सी रोटी तैयार हो गई है। और जब मैं अपने हाथ नीचे डाल रही हूँ तो थोड़ी सी दिख रही है हाथ, मतलब कि ट्रांसपेरेंट रोटी है थोड़ी सी, बिल्कुल ऐसे ही थिकनेस हमें चाहिए। अब इसको ब्रश कर लेंगे थोड़ा सा बटर से या फिर घी से चारों तरफ। और ये देखिए मैं क्या कर रही हूँ, इसका एक जो साइड है इसको इस तरफ मैं फोल्ड कर दूंगी अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ, और इसी तरह से दूसरा भी साइड हम इस तरफ सेंटर की तरफ फोल्ड कर देंगे। और अब हमारे पास जो सेंटर में स्पेस बची है उसमें हम डाल देंगे चीज का मसाला, कम ज्यादा जैसे आपको पसंद हो, पर मैं तो कहती हूँ एकदम अच्छे से स्टफ कर लीजिए इसको चीज से, क्योंकि इसमें है ही सिर्फ चीज तो बहुत मजे का बनता है। और उसका जो नीचे का हिस्सा है ऊपर की तरफ फ्लिप कर लेंगे और इसको दोनों तरफ से ऐसे दबा लेंगे ताकि अच्छी तरह से सील हो जाए, इस तरफ से और उस तरफ से भी मैंने ऐसे थोड़ा सा दबा लिया है। और अब इसको फोल्ड कर लेंगे, जो इसका ऊपर का हिस्सा है उसको भी अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और इसको ऐसे सील कर लेंगे, ऐसे दबाते जाएंगे। और ये जो सेंटर की जो लाइन दिख रही है आपको, इसको भी ऐसे दबाते जाएंगे ताकि अच्छी तरह से सील हो जाए, पूरा एक पार्सल बन जाए चीज का, और चीज बिल्कुल भी निकले ना जब हम इसको तवे में सेकेंगे। नेक्स्ट तवा गरम कर लेंगे, यहाँ पे मैंने ब्रश कर लिया इसको बटर से, और इस चीज पराठे को इसके ऊपर प्लेस कर देंगे और इसको मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे 2 से 3 मिनट के लिए, या फिर जब तक ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और इसको अब फ्लिप करके देखते हैं, ये देखिए हल्का हल्का पकना स्टार्ट हो गया है। तो इसको ऐसे बटर से या फिर घी से ऑयल से जो आपको पसंद हो उसको ब्रश करते जाइए और इसी तरह से पलट पलट के पकाते जाइए। और इसे मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है ताकि चीज जो है ना अंदर से अच्छे से मेल्ट हो जाए, एकदम हाई फ्लेम पर नहीं पकाना है। तो इसे लो मीडियम फ्लेम पर आप पका सकते हैं और इसे बीच बीच में घी बटर से ब्रश करते जाइए और पलट पलट के पकाते जाइए जब तक ये बढ़िया से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी ना हो जाए। तो ये देखिए हमारा पराठा एकदम अच्छे से तरह से फूल रहा है इस वक्त और अच्छा सा गोल्डन ब्राउन भी हो गया और इसे लग रहा है कि अंदर चीज मेल्ट हो गई होगी। तो बस इस वक्त इसको निकाल देंगे और इसी तरह से सारे पराठे तैयार कर लेंगे। वाओ, ये देखिए हमारे सारे पराठे तैयार हो गए, कितने मजे के दिख रहे हैं। मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। वाओ, ये देखिए अंदर की चीज एकदम बढ़िया तरीके से मेल्ट हो गई और बिल्कुल ऐसे ऊज आउट हो रही है एकदम पिज्जा जैसे, क्योंकि हमने इसमें यूज किया था मोजरेला चीज। था ना एकदम मजे का पराठा। इसे आप अपने बच्चों के लिए ट्राई कीजिए, उनको जरूर पसंद आएगा। नेक्स्ट बनाएंगे आलू पनीर कुलचा, जिसके लिए बोल में मैं ले रही हूँ 2 कप मैदा। आप चाहे तो आधा आटा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैदा से ही बहुत अच्छा बनता है। इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, 1 टीस्पून पीसी हुई शक्कर, 1/4 चम्मच अजवाइन जिसको मैं ऐसे क्रश करके डाल रही हूँ, और इन सारी चीजों को अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। इन सारी चीजों को मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा बीच में ऐसे सेंटर में थोड़ी सी जगह बना लूंगी और इसमें मैं डालूंगी दही। तो ये घर की बनी हुई कल की दही है जो कि है 3 से 4 टेबलस्पून। और दही डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, और मैं यूज कर रही हूँ 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा भी। और इसको बिल्कुल हल्का सा मिक्स कर देंगे और इसको थोड़ा सा फ्रॉथी होने देंगे, मतलब वो जब दही के साथ रिएक्ट करेगा ना तो वो थोड़ा सा ऐसे फ्लफी हो जाएगा, ऐसे बबल्स आ जाएंगे, जिसकी वजह से जो हमारे कुलचा है बहुत ज्यादा सॉफ्ट और अच्छे बनेंगे अंदर से। ये देखिए रिएक्शन हो गया उनका। तो अब इसके ऊपर हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून तेल और इन सारी चीजों को अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। जैसे ही दही अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा आटा, फिर इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और इसका आटा गूंथना स्टार्ट करेंगे। नॉर्मली जैसे आप आटा गूंथते हैं पराठा के लिए, तो इसका अच्छा सा सेमी सॉफ्ट आटा गूंथ लीजिए, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए आटा रेडी हो गया है, इसको हल्के गीले कपड़े से ढककर साइड में रख देंगे। इसको कहीं भी हल्की गर्म जगह पर, किचन में किसी भी कोने पे आप रख सकते हैं करीबन 3 से 4 घंटे के लिए, या फिर जब तक ये अच्छे से फूल कर सेट ना हो जाए। तो जब तक ये सेट हो रहा है, चलिए हम अपनी स्टफिंग बना लेते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए एक बोल में मैं ले रही हूँ 3 से 4 आलू, आप बॉईल करके ग्रेट कर सकते हैं या फिर मैश कर सकते हैं। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 कप फ्रेश पनीर, फिर मैं डालूंगी थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्ची का पाउडर, थोड़ा धनिया पाउडर, थोड़ा सा आमचूर का पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। और फिर मैं डाल रही हूँ 2 टीस्पून अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट और फ्रेश धनिया।
इन सारे चीजों को एकदम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, जैसे एकदम अच्छे से बाइंड हो जाए पनीर और आलू आपस में और मसाले सारे अच्छे से इसमें रस बस जाए। तो बस हमको ये बेसिक फ्लेवर से चाहिए हमारे आलू पनीर कुलचा में। और फिर मैं इसके छोटे छोटे बॉल्स बना के मतलब पेड़े बना के साइड में रख दूंगी पहले से ही। ऐसा करने से हमारा प्रोसेस एकदम क्लीन हो जाएगा। तो आटे को रेस्ट करते हुए करीबन 3 घंटे हो गए। अब छोटा सा पेड़ा लेंगे आटे का और इसको थोड़े सूखे आटे से रोल करना स्टार्ट करेंगे। तो 4 से 5 इंच राउंड इतना आप रोल कर लीजिए और इसके सेंटर में हम प्लेस कर देंगे स्टफिंग और फिर इसको सील कर लेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि अच्छे से पराठे जैसा सील कर लीजिए और फिर से थोड़ा सूखा आटा लगा के इसको रोल करना स्टार्ट कर लेंगे। तो इसको बहुत ज्यादा पतला नहीं रोल करना है, थोड़ा सा मोटा ही रखना है। और फिर इसके टॉप सरफेस पे थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल कर लेंगे और उसके ऊपर डालेंगे बिल्कुल थोड़े से सफेद तेल और फिर मैं डाल रही हूँ थोड़े से कलौंजी, ये काले वाले तेल भी यूज कर रही हूँ। और फिर इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ी सी फ्रेश धनिया। तो अब इसको अपने हाथों से ऐसे चिपका लीजिए, हल्का सा पानी ले लीजिए हाथों में, उसको ऐसे कर लीजिए जैसे वो चिपक जाए उसमें। नेक्स्ट एक पैन या फिर तवा गरम कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। जैसे ही गरम हो जाएगा इसमें मैं डाल दूंगी ये रोल किया हुआ आलू पनीर कुलचा और इसको 2 से 3 मिनट लो मीडियम फ्लेम पर ही पकने देंगे। और जब आप धीरे धीरे देखेंगे कि इसके ऊपर बबल्स आ रहे हैं, ये देखिए हल्के हल्के, तब इसको फ्लिप करना स्टार्ट करेंगे। तो इसको दूसरी तरफ फ्लिप कर लीजिए और इसके ऊपर लगा लीजिए थोड़ा सा मक्खन, घी या तेल जो आपको पसंद हो और फिर से इसको फ्लिप करके पकाएंगे जैसे जरूरत पड़े। इसको पलटाने में ही आपको पता चल रहा हो कितना सॉफ्ट बना है हमारा आलू पनीर कुलचा। ये देखिए कितना बढ़िया तरीके से फूल भी रहा है इस तरफ। और इसी तरह से पलटा पलटा कर मक्खन या तेल लगा के इसको पका लीजिए जब तक अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर का ना हो जाए। और इसे मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है ताकि अंदर तक ही अच्छे से पक जाए। तो ये देखिए एकदम बढ़िया सा प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया, बिल्कुल वैसे जैसे कि गार्लिक नान बाहर मिलता है। तो ये तैयार हो गया हमारा बढ़िया सा आलू पनीर कुलचा। इसे आप इंजॉय कर सकते हैं चटनी, रायता या फिर कोई भी ग्रेवी के साथ। नेक्स्ट बनाएंगे बढ़िया से गोभी पराठे, जिसके लिए भी बोल में हम ले लेंगे 2 कप गेहूं का आटा। इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक, 1 टेबलस्पून तेल, मिक्स कर लेंगे सारी चीजों को और अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसका आटा गूंथना स्टार्ट करेंगे। नॉर्मली जैसे आप पराठे के लिए गूंथते हैं तो इसका सेमी सॉफ्ट आटा गूंथ लीजिए इस तरह से और फिर इसको हल्के के लिए कपड़े से ढककर साइड में रख देंगे 30 से 40 मिनट के लिए। तो स्टफिंग बना लेते हैं। स्टफिंग के लिए एक पैन में ले लेंगे थोड़ा सा तेल मीडियम फ्लेम पर। जैसे ही गर्म हो जाएगा इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, उसे अच्छे से फ्राई होने देंगे। नेक्स्ट मैं इसमें डालूंगी 1/4 चम्मच अजवाइन, इसे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इस पराठे में। फिर मैं डालूंगी हरी मिर्ची, थोड़े से अदरक के पीसेस और इन सारी चीजों को फ्राई कर लेंगे बस 10 से 15 सेकंड के लिए। और फिर मैं इसमें डाल दूंगी ग्रेट किया हुआ कॉलीफ्लावर यानी कि गोभी। तो इसमें मैंने आधी गोभी ली थी जिसको मैंने इसे ग्रेट करके डाला है। अगर आपको ग्रेट नहीं करना है तो आप मिक्सी में भी पीस करके डाल सकते हैं। फिर मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक, बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर। इन सारी चीजों को मिक्स करके इस गोभी के मसाले को पकाएंगे बस 2 से 3 मिनट के लिए, जैसे कि इसका जो भी पानी है ना, जो भी मॉइस्चर है वो इवेपोरेट हो जाए, मतलब इसमें थोड़ा सा गीलापन जो होता है ना वो उड़ जाएगा। और इसमें इस समय इसको ढककर नहीं पकाना है, खुला ही पकाना है। तो ये देखिए मसाले अच्छे से चले गए हैं गोभी में और गोभी थोड़ी सी सूखी भी हो गई है और थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो गई है और इसका जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो उड़ गया है। तो इस वक्त हम इसमें डाल देंगे बॉईल और मैश किया हुआ आलू। तो यहाँ पे मैं आज बिल्कुल थोड़ा सा आलू डाल रही हूँ बाइंडिंग और टेस्ट के लिए, पर आप चाहें तो आलू को स्किप कर सकते हैं, सिर्फ गोभी के पराठे बना सकते हैं। लास्टली मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा लेमन जूस और फ्रेश धनिया और इन सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे थोड़ी देर। और तो ये देखिए मसाला काफी सूखा सूखा भी हो गया लेकिन गोभी पक भी गई है। बिल्कुल ऐसे ही मसाला हमें चाहिए, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। तभी आटा भी सेट हो गया, मैं उसकी छोटी से लोई लूंगी। जैसे नॉर्मली मैंने आपको बताया सारे पराठे बनाने के लिए, पराठा बनाने के लिए सूखा आटा लेके उसको रोल करना स्टार्ट कर लेंगे, उसका फ्लैट सर्फेस बना लेंगे। इसके बीच में हम डाल देंगे थोड़ी सी स्टफिंग, कम ज्यादा जैसे आपको पसंद हो, लेकिन अपने पराठे के हिसाब से डालेगा तो फिर आपकी स्टफिंग बाहर नहीं आएगी। तो बहुत ज्यादा स्टफ भी नहीं करना है और फिर इसको साइड से इसको ऐसे सील करना स्टार्ट करेंगे जैसे कि हमने आलू पराठा में किया था। इसको अच्छे से सील कर लीजिए, इसका जो भी एक्स्ट्रा निकाल लीजिए और इसको फिर वापस ऐसे फ्लैट कर लेंगे ताकि मसाला इवन आउट हो जाए और फिर से थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर इसको रोल करना स्टार्ट करेंगे जैसे पतले मोटे पराठे जैसे आपको चाहिए। तो यहाँ पे मैं पराठा थोड़ा सा मोटा ही रख रही हूँ। ये देखिए स्टफिंग कितनी अच्छे से दिख रही है पर ये बाहर भी नहीं आ रही है। तो ये पराठा अच्छे से रोल हो गया, अब इसको हम सेकेंगे। तो इसके लिए मैंने तवा हीट कर दिया है मीडियम हाई फ्लेम पर। तो
इस पराठे को प्लेस कर देंगे तवे के ऊपर और इसको कुक होने देंगे मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए पहली तरफ, और फिर इसको फ्लिप करेंगे और इस तरफ भी हम सेकने देंगे, और इसमें थोड़ा सा बटर, घी, तेल जो आपको पसंद है उसको ब्रश करते हुए लगाते जाइए और इसे पलट पलट के पकाते जाइए घी तेल लगाते हुए, जब तक एकदम बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए और पराठा पूरी तरीके से पक ना जाए। देखिए कितना अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, गोभी भी अच्छे तरीके से पक गई है, ऊपर क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन मार्क्स भी आ गए हैं। इसको निकाल देंगे और इसी तरह से बाकी पराठे भी तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए एकदम बढ़िया से घर के बने हुए फ्रेश गोभी के पराठे तैयार हो गए, आप इसे एंजॉय कर सकते हैं चटनी या फिर अचार के साथ। तो थी नहीं सारी बिल्कुल आसान सी रेसिपी, अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, बाय बाय।